जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है, ऑन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ए पोटेंशियल वी, द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ एंड ए डायलैक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 10 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स विदाउट डिसकनेक्टिंग द डीसी सोर्स। एक कैपेसिटर उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है और अब हमने क्या किया, उसके दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हाफ तक रिड्यूस कर दिया, आधा कर दिया है और डीसी सोर्स अभी भी कनेक्टेड है, साथ में एक डायलैक्ट्रिक मीडियम भी फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल किया है। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं जाना कि पार्शियली फिल किया है तो हम क्या समझेंगे कि हमने कंप्लीटली डायलैक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ द कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर चेंज। तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये लो कैपेसिटर, इसको कनेक्ट किया हुआ है एक डीसी सोर्स से, ये है डीसी सोर्स, डीसी बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है। डीसी सोर्स का वोल्टेज दे रखा है क्या, वी वोल्ट की किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे बोला हुआ है। ए चार्जिंग ऑन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ए पोटेंशियल वी, ये बोल रहा है कि पोटेंशियल वी तक चार्ज किया उसको, तो किसी बैटरी से चार्ज किया होगा, डीसी सोर्स से चार्ज किया होगा और उस डीसी सोर्स की वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर हमेशा उतना ही चार्ज होता है जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस लगाया जाता है, तो ये वी वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड रहा हुआ होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अच्छा इनिशियल कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, तो C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमने क्या किया, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हाफ तक रिड्यूस कर दिया और एक डायलैक्ट्रिक मीडियम जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है 10 उसको इंसर्ट कर दिया इसके बीच में। तो अब मैं सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, डिस्टेंस क्या कर दी हमने कम और डायलैक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया विदाउट डिसकनेक्टिंग द डीसी सोर्स, वी वोल्टेज की बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। यहाँ पे एक डायलैक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ, क्या भरा हुआ, डायलैक्ट्रिक मीडियम, ये एक डायलैक्ट्रिक मीडियम है और इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, के या एप्सिलॉन आर, इन दोनों सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है 10। ठीक है, डिस्टेंस पहले डी थी दोनों प्लेट्स के बीच में, एरिया था ए, एरिया अभी भी ए रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या हो चुकी है, अब हाफ डी बाई टू हो गई। क्या क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा, C2 हो गया ना, अच्छा कितना होगा चेंज, डबल नहीं होगा, 10 ये भी तो इंसर्ट कर रहे हो ना डायरेक्ट मीडियम, फॉर्मूला होगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी की जगह डी बाई टू लिखोगे और के से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो C2 क्या हो गया, के की वैल्यू 10 है, एप्सिलॉन नॉट ए को और डी को मैं अलग कर रहा हूँ, 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि C2 कितना हो गया 20 टाइम्स ऑफ, ये क्या है C1, इसका मतलब 20 टाइम्स ऑफ C1 के इक्वल हो गया, मतलब कैपेसिटेंस 20 गुना बढ़ गया है। एक और क्या चीज़ पूछी थी इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी, पहली चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कैपेसिटर के लिए सिग्मा दे रखा है, नहीं दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है लेकिन वी पता है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, E = V/D वाला, ये फॉर्मूला आपको पहचानना पड़ेगा भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है दोनों कंडीशंस में, वी तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है जो दोनों कंडीशन में कॉमन ही है, सेम ही है, डी हमने चेंज किया है, तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 मान लेता हूँ मैं, तो वी अपॉन डी ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 कितना होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वी, क्योंकि जो डीसी बैटरी है उसको तो हमने हटाया ही नहीं है, तो कैपेसिटर अभी भी वी वोल्ट तक चार्ज होगा, डी कितना कर दिया, डी बाई टू कर दिया, तो बताओ E2 कितना हो गया, पहले की कंपेरिजन में कितना हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2E1, समझ में आई, पहले से 2 टाइम्स बढ़ गया, पहले से 2 गुना हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी के बारे में और पूछा इसने, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E2। अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूँ तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था E1, तो उसको UV1 बोल देते, UV का मतलब है एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर नहीं है, ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी डेंसिटी वाला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द कैपेसिटर, वो लगेगा फॉर्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E2। E को मैंने E1 लिखा है क्योंकि मैं फर्स्ट कंडीशन में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेकेंड कंडीशन में एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन, क्या मीडियम चेंज किया आपने, सेकेंड कंडीशन में क्या हमने मीडियम फिल कर दिया ना,
तो अपसाइलन और थोड़ी आएगा यहाँ पे, अब क्या आएगा अपसाइलन, ये मीडियम को ही तो बताता है, और अपसाइलन को आपके अपसाइलन नोट भी लिख सकते हो, बताया था आपको के यानी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इक्वल होता है अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नोट, तो अपसाइलन को क्या लिख सकते हो के इन टू अपसाइलन नोट, इन टू क्या करना है ई टू स्क्वायर, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा, 1/2 के की वैल्यू डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 10। देखो के और अपसाइलन आर एक ही चीज़ के दो सिंबल है, कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये मैं देखो मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, तो ये इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ अपसाइलन नोट को, और ई टू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2E1 पुट कर सकता हूँ, मुझे कंपेयर करना है दोनों कंडीशन को, इसलिए मैं इनकी वैल्यूज तो मुझे वैसे भी गिवन नहीं है, तो मैं सिर्फ कंपेयर ही कर सकता हूँ अभी। 1/2 अपसाइलन नोट E1 स्क्वायर को मैंने अलग किया, बाकी क्या बचा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 क्या हुआ 40, आंसर क्या आएगा 40, और इसको क्या लिख सकते हो इतने इतने को UV1 लिख सकते हो क्या, जो इनिशियल कंडीशन में एनर्जी डेंसिटी थी, क्या रिलेशन हुआ फाइनल जो एनर्जी डेंसिटी है वो 40 टाइम्स है किसकी कंपेरिजन में, फर्स्ट कंडीशन में जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी कंपेरिजन में, ये लो आंसर।